श्रीमस्वयं जयति तस्य विनाश विघ्नं शिकार वर्ण लिखितं दिन भद्र ओम ह्रीं श्रीकार लेखनं करोमि स्वाहा यम पाण्डुतापमलमुक्तिमपि प्रकोष्ठे वक्त्याजले जिनपतिम् ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं ऋषिवारि महावीरसाई पर्यन्तं शुक्रविंशति शंकर परमदेवमाद्यान्वादे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्रप्रान्ते उपलाटनाम नगरे जिनशरणमतीर्थे मासानुत्तम मासे अश्विन मासे शुक्लपक्षे चतुर्थी शुभ दिन शनिवार वासरे मुनियारिका सौक्षाविकाणां शकलकरं चयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहाभिषेकं जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा तन्म एम आरंभम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा वैत्र भुवने कपतिं जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा संसार महादुख सा भुगोते खाते आया हूँ अविघातिया कर्म विनाशन को चतुकलशों की धारा करता हूँ चतुकलशों की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता उदक चंदन तंदुले पुष्प गई चरुषुदीप सो धवले मंगल गान रवांकुल जिन ग्रहे अभिषेक ओम ह्रीं विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर चतुष्कल सविसिंचि जिनाय जलादि अर्घम नृपामिति संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेश चंदनेन जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं ऋषवादि वीरान चतुर्विंशति शंकर चरणारविंद चंदनानुलेपनम करोमि च वृंदे वदोके वंदे रक्षंपकारे पुष्पेरनेकेरलवीताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रादि युगम्यजेहम ओम ह्रीं शमनः शुक्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा दग्धा जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पर्त्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल शुकालय कामदाह मारार्तिकं तव विभोरे बता इति मंगलारती अवतरणं करोमि सिद्देव्या ओम नमः सिद्देव्या श्री वीत्रागाय नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान वैत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम शुकाय त्रैलोकमही व्याप्ताय अन्न संसार चक्र परमर्दनाय अन्नरसनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्यज्ञानाय शतब्रह्मणे धरणेन्फड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुरोपसंगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपुआयम अस्माकं मृत्युं अतिकामं मदतिकामं क्रोधं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्म सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वमारीं सर्वगजमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं
सर्वविस्मारीं सर्वेतालशाखनीमयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं ॐ सुदर्शन महाराज चक्रकं तेजो बल सौरवीर शांतिं सर्वजनानंदनं सर्वव्यानंदनं सर्वगोकुलानंदनं सर्वग्राम नगर खेट करवर्मठं पत्तनदौड़मुख संवाहानंदनं सर्वलोकानंदनं सर्वदुःखं हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि विसंवर्जितं अभयं क्षेम आरोग्यं सश्चिरस्तु विधीयते शिवमस्तु खलु गोत्रं धन धान्यं सदास्तु चंद्र प्रभवान् सुजमल्लि वर्धमान सुदन शीतल मुनिशवृत नेमिनाथ पार्श्वनाथित्येभ्यो नमो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते वक्षीणाशय दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग अपसर्प मृत्यु विनाशनाय सर्वपराकृत छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रूम रस्य उषा आरम नमः। श्रीमती रतन देवी साय श्रीमान उदंक जी सौ प्रतिमा उदंक साय श्री सुनय उदंक शाह सौ हर्षा कुमारी रिजुल सुनय शाह कुमारी श्रावी पीयूष उदंक साय सौ रचना पीयूष साय परिवार पुणे यजमानस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु बसट स्वाहा आनाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ संसार दुखों की को यह शांति की धारा करता हूँ यह शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ चंदन तंदुल पुष्प कई धवले मंगल गानर वांकुले जिन ग्रही अभिषेक। ओम नीम विश्वादी वीरान चतुर्विंश तीर्थंकर शांति धारा उसिंच जिनाय जलादि अर्घम नृपामते चंद प्रभासम झल्लरियों से मणि मुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हो त्रिभुवन के परमेश्वरिया। ओम ईं छत्रत्रय प्रातिहार युक्ताय क्लीं महावीर अक्षर सहताय श्री वृषभ जिनाय अर्घम निर्वामति चलाती बोलिया वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन चरणम तीरत वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। भगवान जिन शरणम भगवान हे जग बंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान सीता लौकिक छटा तुम्हारान ओ बाबा जो भी सी पर करवाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ
चरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार शासन के प्रथम तीर्थंकर जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारण हार ओ बाबा राज वाले सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार लागी भीड़। निर्बल को बल देते बाबा रोगी को उपचार ओ बाबा चिंतित फल देने वाले चिंता को हरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु कंचन रहे ओ बाबा संकट हर लेने वाले झोली भर देने वाले आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती झूम झूम कर करे आरती भव सागर तिर जाए ओ बाबा हर्षित कर देने वाले पुलकित कर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की मुझे भोले सोने जाए चरणों की धरती पर वाणी मैया कुमार तेरी मैया तुम्हारा आंगना सोना
Bye.
Thank you.
जमाने से उनके जाए बहार, जग त्रिपुरारी है। श्री आदिनाथ जी जग कल्याणी है, श्री आदिनाथ जी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीषा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वो शिशिरिद्धि दयः सत्पशो ब्रदंगिता पञ्चये, ये चाष्टांग महान मित्त कुशला, ये ष्टो विदाश्चारिणा पञ्चज्ञ नरकांता स्वर्ण रूपिकुला रक्ता रक्तोदा क्षीराम्बुनोदी जलम स्वर्ण घटम प्रक्षितम सर्वगुंद पुष्पाड्यम मोदिगम पवित्रम क्रुक्रु झम झम झौम झौम बम बम मम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम सह स्वाहा। विघ्न निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष हुम फट। 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 चक्रु क्रु स्वाहा। चलिए सौदर मिंद्र मां बिरोसवे काल धोतो जल स्थूल कलशनाथाय धर्म तीर्थनाथाय श्री शांतिनाथाय परम पवित्रेभ्य भूमि शुद्धि करोमि स्वाहा। मह बम बम मम हम सम तम पम झीम झीम हम सह असी आउसा समस्त तीर्थ पवित्र जनेन शुद्र पाग निक्षिप्त पूजा द्रव्याणि शोध्यामि। ओम ही महीभूतम क्रु क्रु हूं फट स्वाहा। ओम अनामिकाभ्याम नमः स्वाहा। चलवतनी वस्तुनि प्रक्षापिमिच नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्व रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। याजक प्रवर्ति भव्य जनानाम सदन सधर्म श्री बलाया यारु रोग्यर ऐश्वर्य विद्रस्तु श्रीमज्जन शासने भगवतो महति महावीर वर्धमान तीर्थंकरस्य धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंदामने मध्यलोके जम्बू दीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे भरत चेते आयरखंडे भारत देशे उपलाट नगरे महाराष्ट्र प्रांते जिनशन नाम तीर्थे मंडित यज्ञ मंडपी हुंडास वर्षी काले दुख नामनी पंचम काल युगे प्रवर्तमाने वीर निर्माण 2547 विक्रम संबत 2078 मसोत्तम मासे अश्विन मासे शुक्ल पक्षे शनिवार वासरे तृतीय तिथि जिन प्रतिमाया सन्निधो दिगंबरा जैन आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परंपराएं मुनि आरिका श्रावक श्राविकादि चतुर्विघ संघ सन्निधो विधान निर्विघ संप्यादम क्रिया शुद्ध्यार्थम शांत्यर्थम पुण्य वाचनार्थम नवरतन गंध पुष्पाष्टादि वीच पुरुषोभित शुद्ध प्रासुक जल परिपूरित मंगल कुंभम मंडस प्राज्ञ स्वस्ते स्थापनम करोमि झम झीम हम सह स्वाहा। चलिए खंडे भारत बसे उपलाट नगरी महाराष्ट्र प्रांते आदिनाथ जिन चित्तालय अरहनाथ महामंडल विधान अवसरे विनिर्माण 2547 संवत्सरे माशोत्तम मासे अश्विन मासे शुक्ल पक्षे तृतीय तिथि शनिवार वासरे अरहनाथ महामंडल विधान कार्यस्य निर्विघ्न संप्यातम मंडल भूमि शुद्ध्यार्थम पात्र शुद्ध्यार्थम शांत्यार्थम पुण्य वाचनार्थम नवरतन गंध पुष्पाष्टादि बीज पुरादि शोभितम श्रीमती रतन बाई शाह श्रीमान उदंक जी शाह सौ प्रतिमा उदंक शाह श्री सुनय उदंक शाह सौ हर्षा कुमारी रिजुल सुनय शाह कुमारी श्रावी श्री पीयूष उदंक शाह सौ रचना पीयूष शाह पुणे परिवार से यजमान से हस्ताभ्याम मंगल कलश स्थापनम करोम्यम झीम झीम हम सह मंगल भवत स्वाहा। ओम रीम स्वस्ते पुण्य कुभ्यम स्थापयामि स्वाहा। मंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड ऐसे चमके मुख मंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड कर्मों के बंधन टाइट गुरु भक्ति मेरी डाइट कर देते रोंग को राइट उनमें वो टैलेंट है हमारे पुलक सागर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। श्री जिन स्नापनम प्रस्तावनाय
जिन प्रतिमाग्रे पुष्पेत ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं अरंभम तुष्टिं पुष्टिं चाकुरु कुरु ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रम रास्य औषा नमः सर्व शांति में तुष्टिम पुष्टिम चा कुरु कुरु ओम ह्रूं छूं फट क्रीटम क्रीटम घातय घातय पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्त्र खंडान कुरु कुरु परमन्द्राम छिन्द छिन्द परमन्त्रान भिन्द भिन्द छा छा हूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्या उषा अनाहत विद्याय नमो अरहंताणम ओम सर्व शांति में तुष्टिम चा कुरु कुरु तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मी पर राजगे पद भ्रष्टोद्रो दरिद्र भौपद्रो स्वचक्र पर चक्रोपद्रव प्रचंड दावानल जलोद भौपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि उपद्रवाणाम विनाशनम भवतो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाश्रित भवतो लोक कल्याणम भवतो स्वाहा नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानम दिशस राष्ट्र से पुरस राज्ञा करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो चम चम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो जी बाजे चम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पहली आरती श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा भव दधि पार उतार जिहाजा भव दधि पार उतार जिहाजा भव दधि पार उतार जिहाजा बाजे छम 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 बाजे घुंघरू रत्नों के दीपक लेकर आरती करो जी बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे दूसरी आरती सी धन केरी ओ दूसरी आरती सी धन केरी सुमिरन कर थव फेरी सुमिरन कर मिटत भव फेरी ओ तीसरी आरती सूर मुनिंदा ओ तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करदा जन्म मरण दुख दूर करदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा साचा है दरबार बाबा हो बाबा हे बाबा हो बाबा मेरे जिन शरणम वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे जिन शरणम वाले बाबा तेरा अजब लगा दरबार बाबा हो बाबा तेरा अजब लगा दरबार बाबा हो बाबा चौथी आरती श्री उबजाया चौथी आरती श्री उबजाया दर्शन देखत पाप पलाया दर्शन देखत पाप पलाया बेबी प्रभु जी के दर्शन को चलो
हाथों में दीपक लेकर आरती करो, जी बाजे चम चम चम, जय हो। साधु तिहारी पाँचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी, छठी ग्यारह प्रतिमा धारी छठी ग्यारह प्रतिमा धारी, श्रावक बंदो आनंदकारी श्रावक बंदो आनंदकारी, श्रावक बंदो आनंदकारी, होली खेले जी महावीरा जी वन में होली खेले महावीरा, है होली खेले जी महावीरा जी वन में होली खेले महावीरा, अरे अजी होली खेले है होली खेले जी महावीरा जी वन में होली खेले महावीरा, होली खेले महावीरा जी वन में। ज्ञानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी ज्ञानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी, जो ये आरती करे करावे जो ये आरती करे करावे, सोनर मन वांछित फल पावे सोनर मन वांछित फल पावे, ओ सोनर मन वांछित फल पावे, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, साचा है दरबार बाबा हो बाबा मेरे जिन शरणम वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे जिन शरणम वाले बाबा, हो बाबा हो बाबा मेरे जिन शरणम वाले बाबा, अजब लगा दरबार बाबा हो बाबा तेरा, अजब लगा दरबार बाबा हो बाबा, ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। श्री आदिनाथ भगवान की जय। तृप्त हुए हैं नयन वा महा ऋषि राज जी पूजी, तृप्त हुए हैं नयन वा हे पारस नाम बड़ा प्यारा यही भव से तिराएगा, हे पारस नाम बड़ा प्यारा यही, उसे छाया जो दुनिया में भरमाया वो दुख पाया यही आला यही गा, हे पारस नाम बड़ा प्यारेगा, पुष्प ले हाथ में पुष्प ले, श्री प्रश्भोना स्वस्ति स्वस्ति श्री श्री अभिनंदना हो श्री तमति सत्ति सत्ति श्री श्री चंद श्री शीतला श्री श्रीयांत स्वस्ति स्वस्ति सत्ति सत्ति श्री अनंत श्री धर्म सत्ति सत्ति श्री शांति श्री श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मन सुव्रता श्री सत्ति सत्ति श्री ने मीनाथ श्री परस हे महावीर नाम बड़ा प्यारा। इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधान पुष्पांजलि चपेत तासे धान्योपमे के बीजम संभिन्न संशोत्र पादानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति प्रज्ञास्ति जंगानल श्रेण साकाम प्रकाम मंतर धीमा ताप्ति माप्ता हो तथा प्रतिगात गुणा प्रधाना स्वस्ति करिया बोलावे बाबा आनो पड़ीसी अरे आनो पड़ीसी थाने आनो पड़ीसी अरे आनो पड़ीसी थाने आनो पड़ीसी था
माने टावरिया बोला बे बाबा मानो पड़े की देखिए हमारे सोदर रविंद्र उनके पूरे परिमानो पड़े अरे निभानो पड़ी सी कौन निभानो पड़ी सी निभानो पड़ी सी कौन निभानो पड़ी थी और थाने भगत बोला बे बाबा आनो पड़ी सी थाने भगत बोला बे बाबा आनो पड़ी मारा आदिना तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम मारा आदिना तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम अरे नाच झूम झूम सभी गाओ रे झूम झूम अरे नाच रे झूम झूम सभी गाओ रे झूम झूम मारा आदिना तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम मारा आदिना तेरे चौक में नाचो रे झूम झूम वाले तेरे होंगे हजार मगर ओ चाहने वाले तेरे होंगे हजार मगर और हम सना होगा कोई भक्ति तेरा गुरुवरा टुकुर 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 देख टकाटक टुकुर 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 देख टकाटक होंगे हजार मगर ओ चाहने वाले तेरे होंगे हजार मगर और हम सना होगा कोई भक्ति तेरा गुरुवरा बागों में कलियां खिल गई और जब से आए गुरु जी मारा गाँव माँ टुकुर 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 देख टकाटक टुकुर 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 जिते सदा अनेक जन्म आवा भी बसे क्षणिक में नशे सदा अनेक जीव भक्ति श्री अरनाथ तीर्थंकराय जय माला महाघ्यम निरपाम दे जिनवर अरनाथ पुष्पांजलि चपेत जिनवर अरनाथ विधान भक्ति श्रद्धा से जो जिन चित्तलभ्यो नंदीश्वर दीप स्थित दीपांश्वर जिन चित्तलभ्यो पंचमेरु स्थित अस्सी जिन चित्तलभ्यो श्री सम्मेत शिखर अष्टावत उज्जैन गिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रभ्यो सादिशय क्षेत्रभ्यो विद्यमान विशंति तीर्थंकरभ्यो अष्टाधिक जिन सहस्रनामेभ्यो श्री विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो जलाधि महार्घम निर्वामिति क्यों रे न जा रे सुसमय वर्ते हो न दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जिन भर वृष को जो सदा सौख्यकारी घाति करम जिन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में ब्रशवातिक जिनराज शांति करो सब जगत में ब्रशवातिक जिनराज शांति करो सब जगत में ब्रशवातिक जिनराज हाथ जोड़े सभी लोग तो लो सेव चरण जिन के मोक्ष जो लो न पाऊं तब पद मेरे हिये में मम हिये तेरे पुनीत चरणों में करुणा करी पुनि छुड़ाओ भव दुख से हे जगवंधु जिन ईश्वर पाऊं तब चरण शरण बलहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का छे सुबोध सुखकारी नहीं जानो आवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धन ही बजावो कृपा कर अपने अपने स्थान श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए भव भव के पात के कटे दुख दूर हो जाए जो पूना से पधारे हैं इस पूजन में अभिषेक में पूरा घर इनका धार्मिक है आस्थावान है और अभी से नहीं बरसों से ये परिवार जुड़ा हुआ है मंच के माध्यम से। एक दिन के चातुर्मास का सौभाग्य अर्जित किया है उन्होंने। सुबह से धर्म ध्यान में जीवन चल रहा है। जब से आए हैं पूजन पाठ अभिषेक माला जाप आहार ये धार्मिक भावनाएं यहाँ पर उनकी साकार हो रही हैं। श्रद्धा भक्ति आस्था हो तो दुनिया में सब कुछ होता है। आस्था के दम पर आदमी आकाश की ऊंचाइयों को छू लेता है। आस्था के दम पर आदमी आस्था और विश्वास के दम पर पाताल में से पानी निकाल लेता है। लोग कहते हैं कि मशीन और यंत्र के माध्यम से पानी बोरिंग से बाहर आता है। मैं कहता हूं कि कोई भी मशीन बाहर पानी नहीं निकाल सकती है। आदमी की प्यास पानी को बाहर निकाला करती है।
यदि प्यास ना होगी तो मशीन से पानी भी निकलने वाला नहीं है, यदि भूख ना होगी तो धरती अनाज नहीं देगी, प्यास ना होगी तो धरती से पानी नहीं मिलेगा, और विश्वास नहीं होंगे तो लोग हिमालय की चोटियों पर चढ़ने वाले नहीं है। सब आस्थाओं से चलता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज भगवान होता है क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। तो बोले यदि होता है तो दिखाओ। हमने कहा भगवान तो होता है यदि मुझसे पूछेगा, और दिखाने की बात है तो एक बात याद रखना, यदि तेरे पास देखने वाली आंखें हैं तो भगवान दिखाई देता है, और देखने वाली आंखें नहीं हैं तो भगवान दिखाई नहीं देता है। और एक बात याद रखो कि आंखों के चर्म चक्षुओं से भगवान नहीं दिखा करते हैं, धर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। धर्म चक्षु कौन से हैं? वो श्रद्धा के हैं, वो विश्वास के हैं, वो लगन के हैं। भगवान किस किस रूप में कब कैसे दर्शन दे दें ये हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हैं। आज जो भी जीवन अपना चल रहा है वह भगवान के द्वारा ही चल रहा है, उसकी कृपा है। आज जितनी भी दौलत है तुम्हारे पास ये मान करके चलना वो तुम्हारी नहीं है, वो देव शास्त्र गुरु की बदौलत तुम्हारे पास दौलत है। आज तुम्हारा घर है, मकान है, रुपया है, पैसा है, भगवान की कृपा से है। यदि पुण्य नहीं कमाया होता तो बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जिनके पास चार दीवार और एक छत भी नहीं हुआ करती है, जिनके पास दोनों पैर नहीं होते हैं ऐसे भी लोग धरती पर हैं, जिनके पास हाथ नहीं होते हैं और ऐसे भी लोग इस धरती पर हैं, जिनके पास ये सुंदर सी प्रकृति देखने के लिए आंखें भी नहीं हुआ करती हैं, ये उसकी कृपा है, ये भगवान की भक्ति। पिछले जन्म में कहीं ना जाने कौन से समय कौन सी घड़ी में हमने कौन सा पुण्य कर लिया होगा, मनुष्य भव हमको प्राप्त हो गया, कौन सा हमने ऐसा जिनालय की वंदना कर ली होगी, आज जैन कुल में अपना जन्म हो गया है, जैन शासन में अपना जन्म हो गया है, कुछ ना कुछ तो किया होगा। वरना दुनिया में तो कई जगह जन्म लेने के स्थान हैं, भोग विलास की दुनिया में भी हम जन्म ले सकते थे, लेकिन हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है जहां पर हम ही नहीं, साधारण लोग ही नहीं, तीर्थंकर जैसी आत्माएं भी जन्म लिया करती हैं। महापुरुषों का जन्म इस भारत भूमि पर होता है। अभी अमेरिका में, चाइना में, जापान में पैदा हो जाते, क्या मिलता? ना धर्म मिलता, ना पूजा, ना पाठ, ना विधान। जो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ चल रहा है ना, वो हम भारत के लोगों ने ही वहाँ तक धर्म पहुँचाया है, वहाँ तक अपनी संस्कृति को पहुँचाया है, हमने ही तो किया है सब कुछ। ध्यान रखिए, ऐसी धर्म के प्रति जो प्रगाढ़ आस्थाएं रखते हैं उनके घर में फिर किसी लक्ष्मी की पूजा की जरूरत नहीं होती है, रिद्धि सिद्धि उसके दरवाजे पर खड़ी रहा करती हैं हाथ जोड़ करके, जिसकी आस्था जिनेन्द्र भगवान पर हुआ करती है। एक शख्स था जो कहीं जा रहा था बड़ी बहुत रफ्तार से, उसके पास वक्त नहीं था, बहुत बिजी था, वह बड़ी तेजी से एयरपोर्ट की तरफ गया। जैसे एयरपोर्ट के अंदर गया, जाकर के फ्लाइट में बैठा, उसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था, उसके पास बिल्कुल एक एक मिनट कीमती था। जैसे फ्लाइट में बैठता है, थोड़ी दूर फ्लाइट उड़ती है, उड़ करके जाती है, एक घटना है बहुत महत्वपूर्ण, वह फ्लाइट उड़ करके जाती है। इतने में फ्लाइट में ऐलान होता है कि जो भी पैसेंजर बैठे हैं कृपया ध्यान दें, हमारा रेडियो सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हमें अपना फ्लाइट पास के एयरपोर्ट पर ही लैंड करना पड़ेगा। उस आदमी के पसीने छूट गए, उसको एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, आज जाना था, अभी जाना था। उसने कहा ये क्या हो गया, यदि मैं लेट हो गया तो कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाऊंगा। उस आदमी ने सोचा कि ये कॉन्फ्रेंस केवल मेरे लिए रखी गई है, मैं ही नहीं पहुंचा तो क्या होगा, बहुत परेशान हो गया। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, मौसम की खराबी, बारिश का मौसम, उस
फ्लाइट को लैंड करना पड़ा एयरपोर्ट पर। वह घबराया सा उतरा, जाकर के कैप्टन से बोला कि ये गलत किया तुमने, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस छूट गई, मैं कैसे पहुंचूंगा वहां। एयरपोर्ट में विवाद कर रहा था, विवाद से होता क्या है, कुछ हल तो निकलने वाला नहीं, अब फ्लाइट तो उड़ने वाली नहीं है। बाजू में एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा कि आपको कहाँ जाना है। बोले मुझे अमुक जगह जाना है। उस व्यक्ति ने कहा अब ज्यादा बहस मत करो, बाहर से टैक्सी पकड़ो, 2 घंटे में पहुंच जाओगे आप वहां। बोले 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। बोले हाँ। उसने कहा धन्यवाद। उसने टैक्सी पकड़ी और गया टैक्सी में बैठ करके। आस्थाएं देखो कहां कहां पहुंचाती हैं। जैसे ही पहुंचा तो क्या हुआ, रास्ते में तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया, टैक्सी रास्ता भटक गई। ध्यान रखना, हम लाख पुरुषार्थ कर लें, किस्मत में जो लिखा है होता वही है। ध्यान रखना कितनी मेहनत की उसने। ड्राइवर से बोला जल्दी चलो जल्दी चलो। अब इतना आंधी तूफान बारिश, बिजली चमक रही है, जाना जरूरी है, रास्ता भटक गया। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी जंगल में कि मैं तो रास्ता ही भटक गया बाबूजी, जाना कहाँ था। उसने कहा बाहरी मेरी किस्मत, फ्लाइट में बैठा तो वो नीचे उतर आई, गाड़ी में गया तो वो तूफान में फंस गई, अब जाऊं कहाँ, आज की ये कॉन्फ्रेंस मेरी छूट जाएगी। क्या देखता है गाड़ी से उतर कर उस तूफान में, गाड़ी में बैठा है, डर भी लग रहा है। उसने देखा जंगल में एक छोटा सा मकान बना है। जैसे ही गया बोले चलो इस मकान की शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं। गया दरवाजे खटखटाए, भीतर से आवाज आई जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है, आंधियां चल रही हैं, तूफान है, जो भी है वह अंदर आ जाए। जैसे ही वो व्यक्ति अंदर पहुंचा, एक बुढ़िया मालूम है क्या कर रही थी, भक्तांवर जी का पाठ कर रही थी बैठ कर तूफान में, भक्तांबर जी का श्लोक पढ़ रही थी, घबराहट में जंगल में बैठी थी, भक्तांबर प्रणत मोली मणि प्रभाणा पढ़ रही है वह श्लोकों को। उस जैसे ही वो आदमी पहुंचा, उसने कहा कि माँ तुमने मुझे पनाह दी, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। उसने कहा ये सब मत करो, कैसे आए। बोले तूफान है, रास्ता भटक गया हूँ, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। बुढ़िया ने कहा कि फोन, मेरे घर में तो बिजली भी नहीं है, फोन कहाँ से होगा, जंगल में रहती हूँ, मेरे पास टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है मेरे पास। उस आदमी ने कहा यार आज मेरी किस्मत को हो क्या गया, सुबह से फ्लाइट में बैठो तो वो उतर गई, गाड़ी है तो रास्ता भटक गई, इस बुढ़िया के पास आया तो इसके पास फोन वगैरह कुछ भी नहीं है। वो आदमी सिर पर हाथ रख करके बैठ गया, आज मेरी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस छूट गई, मेरा फ्यूचर बिगड़ गया, आज मुझे वहां जाना था जरूरी। बुढ़िया ने कहा घबराओ मत, तुम क्या कर सकते हो, जाओ वहां देखो एक कटोरी में भगवान का गंधोदक रखा हुआ है, उसे लो और अपने मस्तक पर लगाओ, थोड़े फल रखे हुए खा लो, मुझे लगता है कि सुबह से भूखे हो, खाना नहीं मिला है, थोड़ी शक्ति आएगी, ताकत आएगी। बोले माँ जी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। बुढ़िया ने कहा जीवन से जरूरी तो कुछ नहीं हुआ करता है ना, जीवन को क्यों खराब कर रहे हो, पहले कुछ खा लो। वो फल खाने लगा, गंधोदक मस्तक पे लगाया। बुढ़िया क्या कर रही थी, भक्तांबर पढ़ते जा रही थी और उसके बाजू में एक 4-5 साल का बच्चा लेटा हुआ था, वह काव्य पढ़ती और बच्चे को हिला देती बार बार। उस आदमी ने कहा कि ये क्या करती हो माँ, इसको क्यों हिला रही हो। बोले महल मैं क्या बताऊं, तुमने फल खा लिए, गंधोदक लगा लिया, ये बच्चा जो है ना बहुत बीमार है, ये मेरा पोता है, 4 साल का है, इसकी जन्म देते ही माँ की मृत्यु हो गई, कुछ दिन बाद इसका पिता भी दुनिया से चला गया, अभी बच्चा मेरे भरोसे जी रहा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं, रुपया नहीं कि शहर में रह सकूं, इस जंगल में अकेले मकान में मैं रहती हूं, और मालूम है
इसे इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पहुंच नहीं, मैं तो भगवान भरोसे जी रही हूँ। रोज भक्तांबर सुनाती हूँ इसको और यही सोचती हूँ कि मेरे आदिनाथ बाबा इसे बचा लेंगे, इसे जीवन प्रदान करेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, 6 महीने से बीमार है, ना कुछ खाता ना कुछ पीता है, मैं केवल 2 रोटी खिला के भगवान का नाम सुनाती हूँ। उसने कहा तू शहर क्यों नहीं जाती है? बोले मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहाँ शहर में जाऊंगा। तो बोले इलाज क्यों नहीं कराती है? बोले सब डॉक्टरों ने देख लिया, एक डॉक्टर जैन है शहर में, कहा उससे दिखाओ, वो इसका इलाज कर सकता है। क्या बीमारी है? जाकर के देखा, बोले एक डॉक्टर जैन, लेकिन बताओ बाबूजी मैं जंगल में शहर में जाऊंगी, कौन वो डॉक्टर मुझे सुनेगा? इतना बड़ा आदमी, इतने पैसे वाला, कैसे मैं इलाज कराऊंगी? डॉक्टर जैन बोले हाँ। तो बोले माँ बीमारी उससे पूछी, उसने बीमारी बताई, उस डॉक्टर जैन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वही तो डॉक्टर जैन था जो बच्चे का इलाज करने के लिए वहां पहुंच गया। उसने कहा वो मैं ही हूं। बुढ़िया ने कहा तुम हो? इतने बड़े डॉक्टर इस झोपड़ी में आए हो मेरी? बोले मेरे बच्चे का इलाज कर दोगे? बोले कि माई तूने मुझे पानी पिलाया, गंदोदक दिया, आज मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था, तू क्या करती थी, रोज भगवान से क्या बोलती थी? बोले मैं यही बोलती थी, संकट की घड़ी है, मेरे बच्चे का जीवन है, कोई रास्ता मुझे दिखा दे भगवान। बोले माँ तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरी प्रार्थना कबूल हो गई, आज समझ में आया मुझे क्यों मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई, क्यों मेरी गाड़ी रास्ते में भटक गई, क्यों तूफान ने मुझे तेरे घर पे लाके छोड़ दिया। ये मेरी वजह से नहीं, ये तेरी प्रार्थना की वजह से हुआ है, देख मैं स्वयं चल करके तेरे पास आ गया हूँ। और उसका उन्होंने इलाज किया, मैं तेरे बच्चे का इलाज करूंगा, चिंता मत कर। बोले बेटा तुझे तो जाना है ना कॉन्फ्रेंस में, तेरी बहुत बड़ी मीटिंग है। बोले नहीं, मेरी मीटिंग की कीमत नहीं, आज जो मीटिंग कमाई भी, आज जो मीटिंग रची गई है, वो आदिनाथ भगवान ने हमारी मीटिंग तुम्हारे साथ कराई है। बुढ़िया की आंखों से छल छल आंसू। बुढ़िया ने कहा कि बाबूजी मेरा जो भी दुआ मांगती हूँ भगवान से जरूर पूरी होती है, भगवान जरूर देता है, भले तुरंत ना दे इंतजार के बाद दिया करता है। जो सच्चे दिल से भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान अपने भक्तों की मदद कैसे कर सकते हैं ये भगवान ही जान सकते हैं और दूसरा कोई नहीं जान सकता। उसने कहा जाने दो वो कॉन्फ्रेंस, तेरे बच्चे का जीवन मेरा सबसे बड़ा भविष्य है। मालूम है? बुढ़िया ने कहा कि तुझे मालूम है ना मेरी प्रार्थना भगवान जरूर सुनता है, एक बात याद रख, तू जिस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है ना, चल मैं हाथ फैलाकर बाबा से उसकी भी दुआ मांगती हूँ। मालूम है कुछ देर बाद बच्चे को वह ले गया शहर में इलाज कराने के लिए। वो जैसे ही शहर पहुंचता है उसके मोबाइल चालू हो जाता है, उसमें आता है आज मौसम की खराबी से कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है, अब ये अगले महीने कॉन्फ्रेंस होगी। सोचिए, विचार करिए, जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कौन कहता है कि भगवान नहीं होता है? कौन कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जाती हैं? एक बार दिल से प्रार्थना करके देखो, ये वही भगवान है जो मानतुंग के 48 तालों को तोड़ दिया करते हैं। यदि श्रद्धा भक्ति से पुकारा जाए, सीता के अग्नि कुंड को सरोवर बना दिया करते हैं। लेकिन हमारी आदत ये है कि हम ये सोचते हैं कि यार यहाँ बोलो और वहाँ तुरंत हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। है सुना ना कि मुनिराज के आहार हो तो घरों में रत्नों की वर्षा होती है। आदमी सोचता है यार यहाँ गिरास रखो और वहाँ रत्न बरस जाना चाहिए, बाहर झाँक झाँक के देखता वरसे कि नहीं वरसे हैं। विचार कर, जहाँ शंका है, जहाँ संदेह है, सम्यक दर्शन का पहला अंग निशंकित अंग हुआ करता है। निशंक होकर भगवान की भक्ति करो, निशंक होकर भगवान की आराधनाएं करो,
जो काम नहीं होते वो काम अपने आप हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, हे भगवान, हमने तुझसे तुझे देते हुए तेरे दर की तो एक बात अजब निराली है, तुझे देते हुए नहीं देखा पर भर गई सब झोलियां जो वर्षों से खाली हैं, उनके हाथ दिखाई नहीं देते, देते समय ध्यान रखिए। ऐसे वीतराग भगवान की आराधना सौभाग्य का क्षण प्राप्त किया और मैं प्रतिमा जी जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, नाम प्रतिमा है, उनके पति देव और महान हैं। हमने कहा कि इनका नाम क्या, बोले प्रतिमा, मैंने कहा आप बोले प्रतिमाधारी है, वो बात मैं आज तक नहीं भूल पाया। पूना में उनके घर गया था, बोले मैं तो प्रतिमाधारी हूँ। मैंने आज कहा अब प्रतिमा ले लो, तो बोले एक और ले लूँ क्या। अरे मैंने हास्य विनोद का स्वभाव, लेकिन बहुत सरल परिवार, बहुत शांत परिवार। पूरे चातुर्मास में हम तो इनको कई लगभग 15-20 सालों से इस परिवार को देख रहा हूँ। बहुत पढ़ी लिखी महिला है और लिखती भी हैं, स्वाध्याय भी करती है, शांत परिणाम देखने को मालूम है। इतनी शांत, मैंने आज तक उन्हें कभी गुस्सा और क्रोध करते नहीं देखा है, इतने शांत परिणाम। ऐसा धर्ममय चित्त तो मैं यहाँ तक महसूस करता हूँ बड़े बड़े साध्वियों के भी नहीं होते हैं, जितने शांत परिणाम से वह अपना जीवन जिया करती हैं। हकीकत में धर्म यही है, नाम नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पद नहीं, कुछ नहीं, शांत रहना और अपना। उनके घर में जब मैं गया, धीरे धीरे बोलना, चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, मध्यम स्वरों में आवाज, छोटी सी बालिका साथ में आई, मैं आहार दूंगी महाराज को। मैंने कहा बिना साड़ी के आहार नहीं लूंगा, रातों रात साड़ी तैयार करके सूरत से आ गई। ये भावना, ये संस्कार, ध्यान रखना, धर्म चेहरे से झलकता है, बताना नहीं पड़ता है, दिखाना नहीं पड़ता है, हमारे व्यवहार और आचरण से धर्म झलका करता है। ऐसा व्यक्तित्व उदंग जी परिवार का, पूरा परिवार, उनके बच्चे, सभी लोग 4 महीने पूना में भक्ति श्रद्धा की। आज उनका जन्मदिन है, मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उन्होंने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतनी बढ़िया बात बोली, उम्र बढ़ी है वहाँ की, कुछ नहीं बढ़ा है। ऐसा नहीं, ये मनुष्य का जीवन है, पुण्य संचय। इनके घर में चैत्यालय है, छोटे छोटे बच्चे पूजन करते, अर्घ चढ़ाते हैं, रात्रि भोजन त्याग का बोला, तैयार है महाराज। ध्यान रखना, यही श्रावक धर्म है, इनसे ही जिन शासन जीवित रहता है। मैं आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, क्या आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जैसा उनके माता पिता ने नाम रखा है, एक दिन वह भी अपने जीवन में वैसा काम करें, और उनको कोई सांसारिक चीजों की आवश्यकता नहीं, सब कुछ उनके पास है। और आज उन्होंने अपने जन्मदिन पर अरहनाथ भगवान का विधान किया है, बहुत कम लोग करते हैं अरहनाथ कुंतुनाथ के विधान, यह सौभाग्य उन्हें जिन शरणम की माटी पर प्राप्त हुआ है। ऐसी पवित्र और सात्विक वृत्ति वाली बहन को, उनके परिवार को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, उनका जीवन धन्यता को प्राप्त हो। मैं चाहूंगा कि आज उनके घर में चैत्यालय है, मंदिर है, मेरा जो सबसे प्रिय, सबसे आस्था वाला, एक मेरे पास एक यंत्र है, मैं उन्हें अपने हाथ से आज जन्मदिन पर यहाँ प्रदान करूंगा, अपने मंदिर में इसको विराजमान करें। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का यह मंगलकारी यंत्र है, और इसी में 4-5 यंत्र एक साथ हैं, अनंतानंत परम सिद्धों की आराधना इस यंत्र के माध्यम से अपने घर में रखें। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं उन्हें प्रदान करता हूँ, बाकी गिफ्ट तो